Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव एसईओ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फॉल्सली रिपोर्टिंग योर कॉम्पिटिटर्स टू गेट देम पेनलाइज। अब जैसे हम एसईओ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आना होता है सर्च इंजन्स में, लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम ट्राई करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर्स नीचे चले, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, एक हमारा ऊपर आना और दूसरे का नीचे जाना। तो कई लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं दूसरों को नीचे करने में, ना कि खुद ऊपर आने। तो वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। एज अ नेम सेज इट, नेगेटिव एसईओ डज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट एंड दैट इज टू कट ट्रैफिक एंड डिक्रीज एसईओ विजिबिलिटी कंटीन्यूअसली। बट हु वांट्स दैट? आई वुड से अ लॉट ऑफ पीपल सिंस वी टॉक अबाउट इट दे डोंट वांट टू डू इट फॉर देयर ओन साइट बट रादर फॉल्स रिपोर्टिंग देयर कॉम्पिटिटर्स टू गेट देम पेनलाइज। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे लोगों ने मेरे आगे नेगेटिव यू नो लिंक बिल्डिंग करी हुई है, और बहुत सारी पॉन साइट्स ने एक्चुअली फॉरम साइट्स पर लिंक बनाए हुए हैं, और जिस कीवर्ड पर बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड है, लेकिन जब क्लिक करो तो जाता है वो मेरे पेज पर ही। तो बेसिकली ये भी एक चीज़ होती है जो इससे आपकी वेबसाइट का कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। तो एसईओ में एक चीज़ बहुत यू नो रिस्की है जिसको हम लिंक बिल्डिंग बोलेंगे। लिंक बिल्डिंग में होता क्या है, बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, आप किसी और की साइट की भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली अपनी तो आप गुड क्वालिटी करोगे, लेकिन दूसरे को अगर नीचे गिराने का ऑब्जेक्टिव है आपका तो उसकी पुअर क्वालिटी करोगे। अपनी विद रिगार्ड टू गूगल गाइडलाइंस कर दोगे, उसकी अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं गूगल जब देखेगा कि नेगेटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं तो साइट को शायद पेनलाइज करेगा धीरे धीरे। तो ये हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, तो टाइम टू टाइम इसको चेक करना है। जैसे हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं जो नेगेटिव एसईओ से जो हमारी लिंक बिल्डिंग है कैसे हटाएंगे, कैसे पहले तो फाइंड करेंगे फिर कैसे हटाएंगे। हटाने के दो तरीके बताए हैं, एक ओनर को कॉन्टैक्ट करके और दूसरा गूगल को कॉन्टैक्ट कर। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।